इन अपना टोटल तीन ट्रैक है जी, ठीक है। एक दो लब बड़े हैं और एक छोटे वाला है। छोटे वाले में ना एक सॉफ्ट क्लोजिंग का होल ना दो पहले से मार के दिया रहेगा यहाँ पे, आप देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है, दो होल मार के दिया हुआ है। ये जो ट्रैक है ना सबसे पहले लगेगा, जो सबसे छोटा ट्रैक है आपका वो आपका सबसे पहले लगेगा। और ये जो दो होल है ना ये आपका इधर आगे साइड रहेगा। और इसका जो मेजरमेंट है ना आपका डोर थिकनेस प्लस 131 एमएम, ये आगे से ना यहाँ से वहां से डोर थिकनेस प्लस 131 एमएम, डोर थिकनेस 131 एमएम प्लस 40 171, वहां से 171 मारो, 171 लगा दो, वहां से 171, यहां से 171 आएगा आपका डोर थिकनेस 131 हो गया। तो फिर यहां से आपका ना देखोगे ना 219 आएगा, ये जो मतलब ये धार है यहां से 219 है मैम, हो गया ना, तो 219 है मैम, जहां पे आपने पेन मारा उसके ऊपर ही 219 चलाना है। हाँ 219 219 है मैम, 219 20 के एक पॉइंट पहले, वहां से 219 है मैम, ठीक है। अभी वहां पे जो 171 और 219 को ना प्लस कर दो, 171 डोर थिकनेस 131 प्लस 40 एमएम 171 एमएम वहां पे, ठीक पॉइंट बना है ना वहां पे ड्रिल कर दो, 31 वहां पे भी रहेगा और पूरा लाइन जो रहेगा ना यहाँ से यहाँ तक सीधा रहेगा, एक पूरा सीधा लाइन रहेगा। लाइन हो गया ना जी, अभी तो वहां से ना 45 एमएम इधर आओ, फिर लाइन ले मारने वो लाइन से आपका 45 एमएम इधर वो लाइन लो, हाँ और थोड़ा इधर से लोगे तो भी चलेगा पीछे से, और इधर से लो और इधर, हाँ वहां से 45 ले लो, 45 ले, हाँ और सेम 45 ना वहां से ही मार लो एंड तक आपका, सिर्फ वहां से आधे से ही एक सीधा लाइन खींच लो, छोटा वाला ट्रैक आपका फिक्स हो जाएगा। वो बोले उसमें नहीं मारना है, इधर आगे वाले मारना है, हाँ ये आपका ऊपर का ट्रैक लग गया ना तो फिर उसके बाद आपका मशीन आएगा वो हाँ उसमें डाल दो ऊपर हाँ आगे आके छोड़ दो, आगे जाएगा बाहर चलेगा, बस रहने दो अभी, हाँ उसके अंदर वो दोनों होल दोनों में पंच कर लो, पंच करके ना ये वाली पट्टी जो है ना देखो दो होल इसमें हाँ, बराबर, तो दोनों को फिक्स करना है, आप इसको लगाओ आगे से ऐसे ऐसे एकदम सीधा बैठ जाएगा, रखो उस पे टाइट, उसमें फंसेगा नहीं, हाँ वैसे डाल के वैसे टाइट कर देना है, सीधा पकड़ के वैसे सीधा पकड़ के ऐसे टाइट कर देना है, सीधा बैठेगा एकदम, ये ना यहाँ पे सीधा आएगा, ये इसके अंदर ऐसे डाल के ऐसे अच्छा। फिक्स कर देना है, अभी यहाँ पे देखो ऐसे सीधा पकड़ के ना तो ऐसे चारों स्क्रू, हाँ नीचे का स्क्रू पूरा भर दो जी जी जी, के अंदर भी रहेगा होल के नीचे, हाँ तो उसको भी मार देना, हो गया ना तो मशीन अंदर डाल देना इसमें आपका, ये आपका ऐसे यहाँ पे आके होल्ड हो जाएगा, ये पत्ती जो है आपका उसमें जाएगा उल्टा है वो, उसमें देखो थ्रेड होगा, हाँ वैसे आपका चला जाएगा उसके अंदर, हाँ वैसे लग जाएगा, फिर वहां से ट्रैक जो आएगा उसके नीचे से डाल के फिक्स कर दो, जो वाला जो कटा हुआ हिस्सा है वो उधर पीछे जाएगा और जो आगे दो होल दिखेगा वो आगे रहेगा आपका, ठीक है। अब उसको स्लाइड कर लो आगे थोड़ा, ट्रैक पट्टी को आगे स्लाइड कर दो, आगे करो आगे करके ज्वाइंट कर दो, हाँ ये हो गया सर, ये आपका मैच हो गया ज्वाइंट पट्टी से, ये पट्टी को जैसे क्लियर, ये आपके पट्टी को जैसे जो ज्वाइंट है एकदम फर्स्ट क्लास आ गया, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ना अपना ये दूसरा ट्रैक मिलाना है अपने को, ये वाला ट्रैक है ना ये भी आपका कट होगा, और इसमें कितना कट होगा पता है, डोर विथ जो अपना है डोर विथ है अपना 1030 प्लस 47 एमएम, 990 ऐसे मिल रहा था प्लस कातरा आपका हो गया 40 का जी, तो ये हो गया 1030 जी, 1030 प्लस 47 जी, ये हो गया 771 जो धार है यहाँ से 1047 1077 ये धार से वहां से 1077 वो धार से इनसे पकड़ना है और यहाँ पे 1077
वहां से मेजर देख लो जितना बच्चा है ना उतना कट करना पड़ेगा फिर अपने। तो आपका स्क्रू का पॉइंट वहां पे हो गया, ट्रैक आपका अभी कट गया है साइज के हिसाब से। तो अभी जो ट्रैक है ना इसका पहला होल इसमें का, उसमें आपको स्क्रू, ये आपका भी दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा, ये वाला पार्ट्स आपका ऐसे करके ट्रैक में ऐसे सीधे से डाल देना ऊपर से। प्लेट नीचे रहेगा, नहीं नहीं एकदम पीछे ले जाओ उसको, बस वहां पे रोक दो, रख दो, बाद में रोलर जाएगा अंदर, सिंगल रोलर आपका वहां पे, कैसे भी डालो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपका बॉक्स टाइट कर दो, ये वाला बॉक्स है ना इसको टाइट कर दो, याद है ना सीधा, ये ट्रैक का लाइन सीधा हो गया बराबर ना। हाँ अभी उसमें पंच करके या तो ड्रिल करके आप इसको टाइट कर दो अपने हिसाब से। ये जो अपना बॉटम ट्रैक है ना यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे बॉटम में डोर के नीचे आपको ये जो पट्टी है ना पीछे का बैक साइड का, इसको 6 mm रखना है। अभी 4 mm का बिनियर मारे हैं, बाद में 2 mm आप इसमें कुछ भी डाल के इसको फिक्स कर देना यहाँ पे आपका, ठीक है। ये आपका 6 mm का गैप हो जाएगा, और यहाँ से ना ये अपना कातरा लाइन है यहाँ से बराबर, यहाँ से 105 mm कट जाएगा। अच्छा ठीक है, 105 mm 105 mm ऐसे कट जाएगा, और हाइट में ना आपका अगर 6 mm है। हाँ ये देखो यहाँ पे देखो सीधे दिया है जी, ऐसे में 105 mm पीछे से, ओके ठीक है बराबर, और ऐसे में हाइट में 23 mm बराबर, ठीक है, और डीप में ना 24 mm रहेगा बराबर, 24 mm ठीक है, डीप में ऐसे डीप में 24 mm, यहाँ से यहाँ 24 mm और ऐसे हाइट में यहाँ पे 23 mm और ऐसे में 105 mm, इसको कर ही देते ना सर, ये ऐसे में 105 हो गया, ये अपना हो गया 23 mm, ठीक है ये हो गया 23 mm से 24 mm जी। ट्रिगर है बराबर, ठीक है इसको खोल लो, ये जो पिन है मैंने स्टार्टिंग में बोला था उसमें 2 होल पहले से मार के दिया हुआ है, तो वही 2 होल में ना ये वाला पिन इसमें टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा करो तो देखो नीचे 2 होल मिलेगा, ये हाँ ठीक है। ये जो पिन है इसको ना, ये जो पिन है इसको इसमें ऐसे डाल देना है, इसको डाल के ना ऐसे ट्रैक में ऐसे डाल दो ऐसे ऊपर, ओके ये पिन को ऊपर डाल के ऐसे घुमाना है, अब घुमा देती है, हाँ उसमें ऐसे डाल के ऐसे घुमा दो चाबी को जी। तो ये आपका लॉक हो जाएगा पिन, ठीक है ऐसे ऊपर पट्टी आपका टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ठीक है, वो उसमें डाल के ऐसे घुमा देते, घुमाओ उसको, हाँ वैसे रहेगा, फिर ऐसे घुमा देंगे लॉक के लिए, और फिर उसके बाद ड्रिल करके स्क्रू फिक्स कर दो। अभी निकाल लो उसको, पहला पिन अपना आगे में लग गया, ठीक है। अब दूसरा पिन जो है ना यहाँ पे देखो, जो सेंटर का ट्रैक आपका जॉइंट है वहां पे, जो ट्रैक जॉइंट है वहां से प्रूवित है अपना 1030 में से 465 निकालो -465, डोर भी थे अपना 1030 उसमें से निकाल दो 465, 1030 में से अपना निकल गया 465 आया 565 सेंटर का, ये वाला वहां से, हाँ वहां से ना 565 ले लो आप, तो ट्रिगर आपका फंस गया ना वहां पे, तो अभी वहां पे दो नया ड्रिल करके सेंटर से साइड ही है, देखो थोड़ा सा रहेगा उधर पे, पहला स्क्रू 565 पे रहेगा आगे का, उसके बाद आपका ट्रिगर का सेंटर रहेगा, ठीक है उसके बाद आपको ड्रिल करके टाइट कर देना। आपका एलंकी है ना ये ऐसे रहेगा, ओके ब्रैकेट में फंसेगा, और सेम ऐसे ही इसका भी, ये देखो ये सीधा ही है तो ये भी आपका ऐसे ही फंसेगा, तो इसको ये लंकी बाहर रखने का दोनों का, हाँ ये दोनों मुंह ना ऐसे बाहर रहेगा, ओके ठीक है इसको ऊपर उठाओ आप, ये अपना इसके अंदर गया, और ये वाला आपका ऐसे इसके अंदर चला गया, इसके अंदर आ जाएगा ऐसे, ठीक है ये ऐसे इसमें दोनों में फंस जाएगा आपका प्रॉपर, ठीक है ये जो फंस जाएगा ना तो इसको सेंटर देख के आपको सिर्फ लॉक कर देना है, एलंकी का है एलंकी लॉक, इसको सेंटर देख के सिर्फ लॉक कर देना है आपको इधर इधर कहाँ पे, यहाँ पे देखो अभी ये फ्री है, तो ये जो नीचे का बोल्ट है ये वाला ये। आपका इधर से लॉक हो जाएगा ऐसे, एक आराम से ऐसे घुमाते रहो आप प्लेट को, ठीक है, और उसके बाद ये भी जी अब ये थोड़ा इसको टाइट कर देता हूँ सर, इसका भी सेम ऐसे टाइट कर दो रख के,
घुमा दो भैया सीधा, इसको सारी घूमने में बड़ी दिक्कत है। घुमाओ ये लंकी। अभी देखो यहाँ पे आपको दरवाजा अगर फ्लश करना है ना जी, तो ये लंकी से आपको हल्का सा इसको लूज कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट आप आगे पीछे करोगे ना, लंकी दो आपका ब्रैकेट, तो इसमें आपका अलाइनमेंट आगे पीछे होगा, ठीक है। बराबर ठीक है, ओके सर, समझ में आया, ओके सर। इसी से जो भी अलाइनमेंट आपको एडजस्ट आगे पीछे करना है ना, सब इसी से होगा। अगर इसका भी मिलाना है, इसका भी आगे पीछे मिलाना है, तो इससे आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इससे आप आगे पीछे करोगे तो हो जाएगा, जितने भी आपको चाहिए उतने पे आप हाथ से पकड़ के रोक लो, खाली उसके बाद टाइट कर दो। ये दो इलंकी खोला, बाकी कुछ नहीं खोला, नहीं बाकी कुछ नहीं। ऊपर नीचे करना है तो ये ऊपर नीचे करना है तो इससे होगा, और एडजस्ट करना है तो इससे होगा, ठीक है। कोई बात, कुछ डाउट है? कुछ डाउट नहीं सर। अभी इसमें इतने में घस देती इलंकी, ठीक है। आपको पीछे वाला जो रूलर है ब्रैकेट, मैंने स्टार्टिंग में डलवाया था पीछे का क्लिप, इसको लेके वैसे टाइट कर दो रूलर पे जी, अपना ये दीवार से आधा इंची करके कर, हाँ, इधर टच करके, टच करके रूलर में टच कर, ठीक है। उसको ना रूलर में लेके टच करके लगाना भी, हाँ, और इधर आएगा, ठीक है। ये अपना हो गया, ये हो ना, ये इसके नीचे रहेगा बराबर, इसमें आएगा, ठीक है, इसमें ऐसे। तो फिर दरवाजा आपका जब लगेगा ना ऊपर से, तो ऐसे सीधा हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देता, देखो जो इसका क्लिप है नए वाला, ये आगे की धार में आके ये प्लस हो जाएगा, हाँ, ये इसकी सेंटर में रहेगा ना, तब ना ये प्लस करेगा। देखो डोर गाइड डायमेंशन बराबर फोर गाइड लिखा हुआ है यहाँ पे जी आपका, ये देखो यहाँ पे बोला है डोर विथ माइनस 15, अपना 1030 का डोर है तो उसमें से 15 माइनस करेंगे 1015 आपका इधर से ना, ये जो होल है यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे 1015 मिल जाएगा, ठीक है। आगे से ये धार से आपका चलेगा, यहाँ से आपका शुरू होगा ऐसे में बराबर 1015, ठीक है। और इसने क्या बोला है कितने पे रखना है, यहाँ पे इसने बोला है डोर थिकनेस, ये अपना पार्टीशन रहेगा 40, डोर थिकनेस मतलब अपना डोर थिकनेस 40 है और पार्टीशन अपना 40 है, 40 है, ठीक है। पर डोर थिकनेस और पार्टीशन 40 है ना, तो इसने बोला यहाँ से 50 लेना है, अच्छा। ये जो पहला लाइन है 50 पे रहेगा, बीए यहाँ से जो आगे से रहेगा ये 50 पे रहेगा बराबर, और 40 90, अच्छा 50 40 90, ठीक है। ये आपका 50 40 90 रहेगा जी, डोर थिकनेस प्लस 50 mm। फिर उसके बाद ये 13 पीछे का जो लाइन है यहाँ से यहाँ का होल का, वो 13 mm पे है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। और जो भी एडजस्टमेंट है ना, इसको जब प्लेट को आगे पीछे करोगे ना बराबर, तो ये दरवाजा जैसे इसमें आगे पीछे आपका हो रहा था वैसे इसके साथ भी आपका लाइन आगे पीछे मैच होगा। ये जो खाचा दिए, हाँ, पहले ये दो ही होल मारना जी, फिर जब आपका लंबे वाले, जब आपका एडजस्ट पूरा प्रॉपर हो जाएगा तो फिर फाइनल होल मार के फिक्स वाले में लगा देंगे, ठीक है। कुछ डाउट? कुछ आगे खींचो, चलो भाई थैंक यू, एक बार और करो, आगे ले लो, चलो धन्यवाद।